नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय एक बड़ी घटना सामने आई है। कार में जिंदा जल गया व्यापारी का परिवार, पति पत्नी सहित तीन बेटियों की मौत। पुलिया से टकराकर पलटी कार, शादी समारोह से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गुरुवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में व्यापारी का परिवार जिंदा जल गया। हादसा तेज रफ्तार कार के पुलिया से टकराने के चलते हुआ, इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में पति पत्नी सहित उनकी तीन बेटियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर देर रात ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं सुबह फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ के गोलबाजार निवासी सुभाष कोचर अपनी पत्नी कांति कोचर और तीन बेटियों भावना कोचर, वृद्धि कोचर और पूजा कोचर के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से सभी देर रात करीब 2 बजे ऑल्टो कार में लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में खैरागढ़ रोड पर ठेलकाड़ी क्षेत्र में ग्राम सिंगारपुर के पास कार में अचानक आग लग गई। इसके चलते किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसा होते देख किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ठेलकाड़ी थाना पुलिस के साथ ही SDOP खैरागढ़ भी मौके पर पहुंच गए। कार में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पांचों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में ऐसा लगता है कि पुलिया से तेज रफ्तार कार टकराने के बाद पलट गई और उसमें आग लग गई होगी। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। वहीं शुक्रवार सुबह से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सुभाष कोचर खैरागढ़ के बड़े व्यापारी थे। उनका वहां पर साइकिल का बड़ा शोरूम है। उनकी तीन बेटियों की उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई होगी। टक्कर के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसके बाद उसमें आग लग गई।